हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ और इसको मैं डिमांड पर बना रही हूँ। और ये है हमारा गिफ्ट पाउच आज जो हम बनाने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे 9 बाई 12 इंच के एक पीस से। मैंने यहाँ सिल्क का कपड़ा लिया है, बीच में फोम लिया है और लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको दो साइड से इसको पैक कर देंगे। अब इसको पैक करने के बाद इस पर हम स्केल से लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन है इसको आप अपने मन मुताबिक जैसा भी आप चाहें और भी पास में खींच सकते हैं। अब ये हमने लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद इसमें हम ये गोटा पट्टी लगाएंगे। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने चौड़ी लाइन इसलिए खींची है क्योंकि मेरे पास गोटा पट्टी थोड़ी कम पड़ रही है और मुझे बताना है इस पाउच को। तो आप गोटा पट्टी ज़्यादा लेकर के और इसकी जो लाइन है, जैसे कि मैंने खींचते समय बताया कि आप इसको नज़दीक नज़दीक भी बना सकते हैं, तो ये हो सकता है कम पड़ भी जाए बनाते बनाते। तो आप लोग उतना माइंड मत कीजिएगा, आप लोग समझ तो जाएंगे ही। और इसको मैं यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ। तो पहले जितनी लाइनें खींची हैं इस पर हमें सबको सिल लेना है। और ये हमने गोटा पट्टी लगा दी। जितनी मेरे पास थी वो सब पूरी इसमें लग चुकी है, बस इतनी सी बची। चलिए, मैं लकी थी इस मामले में कि पूरा हो गया आज। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा पीस तैयार हो गया। ये पीस तैयार होने के बाद हमारा 9 बाई पूरा 13 इंच का हुआ है। इसमें हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे एकदम हाफ एंड हाफ, इस तरह से। ये हमने फोल्ड कर लिया, निशान लगा लेंगे। बाहर के साइड से निशान लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हमने फोल्ड का निशान लगाया था ये। अब यहाँ पर ये फोल्ड का निशान है, यहाँ पर हम सेंटर मार्क निकालेंगे। ये सेंटर मार्क निकाल लिया, इसको फोल्ड करेंगे जहाँ से निशान था। और अब इस पर भी, यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। को निशान लगाने के बाद अब यहाँ से इस ट्रेंगुलर शेप पर, यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगा लिया। इस सेंटर से अब यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस पर मशीन चला करके इसको कट करेंगे। अब इसको हमने कट कर लिया है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे एक लाइनिंग का पीस मैचिंग कलर का, क्योंकि उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो लाइनिंग के कपड़े हैं, मैं ब्लाउज पीस के जो अस्तर होते हैं लाइनिंग के कपड़े, उनको इस्तेमाल करती हूँ, वो अच्छे होते हैं। और इसमें भी कई दाम और कई वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। आप लोग अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो ये शगुन पाउच वगैरह बनते हैं, इनमें अगर आप थान का कपड़ा कोई दूसरा लगाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ता है। बल्क में ख़रीद लीजिए, अगर आपका बल्क का काम है तो ये सस्ते पड़ते हैं ब्लाउज पीस। और इसको हमने कट कर लिया। अब इसमें एक पीस हमें और लगेगा, फिर हम इसको इसको मेजरमेंट करेंगे। जो ये हिस्सा आया था हमारा, तो ये हमारा आ रहा है 9 बाई
फोर इंच का ये पीस है, ये फोर यहाँ पे हमने मार्क लगाया था। तो अब इसी लाइनिंग में से एक कपड़ा लेंगे 4x9 का, इधर से निकालते हैं। इधर से 9, अब ये लाइनिंग ले ली हमने। अब एक जिप ले लेंगे और इस पर 9 इंच की जिप लगा देंगे। इसमें एक रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद इसका जो अस्तर काटा था हमने, ये वाला, इसको बीचों बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम मार्क करेंगे, फोर इंच पर नीचे से, ये मार्क करने के बाद अब इसको हम जो इसका नीचे का पोर्शन है इसको यहाँ पर उल्टा रखेंगे और उस लाइन पर जो दिखाई दे रही है नीचे उस पर हम इस पर उल्टा रखते हुए सिल देंगे। सीधा करेंगे, सिलाई अंदर चली जाएगी, सफाई आ जाएगी। अब इसको हम तीन साइड से पैक करेंगे। इसको पैक करने के बाद इसको लेंगे और इसको सीधा रखेंगे, इसको भी यहाँ पर सीधा रखेंगे, दोनों सीधा अंदर रखते हुए इसको तीन साइड से जोड़ देंगे, इधर वाला खुला छोड़ देंगे। सीधा करेंगे, सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसको यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सफाई से सिल देंगे। अब इसको पैक करने के बाद यहाँ से, जहाँ से ये पॉकेट लगी है हमारी, यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। जिप हमारी इसके बराबर आनी चाहिए यहाँ पर। अब इस पर एक मशीन चला देंगे पहले हम। अब मशीन चलाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे पोमपम लेस, या आप कोई भी जो गोटा पट्टी की जो झालर वगैरह आती हैं वो भी लगा सकते हैं अपने पसंद के अनुसार से। और अब इस लेस को हम यहाँ से इस तरह से पूरा लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर जिप लगी है तो वहाँ पर मशीन चलाते समय साइड में ध्यान रखना है कि आपकी सुई टूटने ना पाए, बहुत आराम से चल सिलना है। और इसमें ये हमारी लेस भी लग गई, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम एक टिच बटन लगाएंगे। अब चूंकि ये गिफ्ट पाउच है और इसमें लोग कैश मनी वगैरह रख के देते हैं जो भी है, और इसलिए इसमें हम मैग्नेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हर चीज़ में मैग्नेट अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, इस बटन का एक पार्ट यहाँ लगाएंगे ऊपर।
और इसमें वेलक्रो भी नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि वेलक्रो पर सिलाई करनी पड़ती है। अगर आप ग्लू से लगाना चाहें तो ग्लू से लगा लें, लेकिन वेलक्रो ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो एकदम ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनमें ट्रेडिशनल चीज़ों से ही उसको अगर बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये टिच बटन इसमें सही लगेगा। मैंने यहाँ पर सुई में 4 लेयर धागा ले रखा है, इससे ये एक बार में पूरी मजबूती के साथ सिल जाएगा। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पर इसका निशान ले लेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। और ये हमारा बटन भी लग गया। और ये इस तरह से ये पाउच तैयार हो गया। अब आप इसमें बेस्ट विशेस का कार्ड भी दे सकते हैं, मनी भी दे सकते हैं, कोई पायल बिछिया जो भी, हल्दी कुमकुम जो भी देना हो इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक छोटा सा गिफ्ट पाउच बनाया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नहीं फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।